बहुत समय पहले की बात है, एक पहाड़ पर एक राक्षस रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था। वह पास के गांव में घुस जाता और जो भी उसके सामने आता वह उसको उठाकर पहाड़ पर बनी अपनी गुफा में ले जाता था और उसे खा जाता था। आज तो मजा ही आ गया। आज तो बहुत हट्टा कट्टा शिकार हाथ लगा है, इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। इसी दौरान बहुत से गांव वाले जख्मी भी हो जाते थे। अरे मर गए रे ये राक्षस, तेरा नाश मिटे, मेरी तो टांग ही टूट गई है रे, कोई मेरी मदद करो। लगता है सबके सब गांव वाले भाग गए, अरे कोई तो मेरी मदद करो। तभी उसका दोस्त हरिया वहां पहुंचता है। अरे कालिया, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? हाय रे, मेरी तो टांग ही टूट गई यार। हरिया, हमें इस राक्षस का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस राक्षस ने तो हमारा जीना ही दुश्वार कर दिया है। जब भी इसका मन करता है ये हमारे गांव पर हमला कर देता है और न जाने कितने लोग इसके आतंक का शिकार बन जाते हैं। तुम सही कहते हो कालिया, हम गांव वालों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, आज ही सब गांव वाले मिलकर गांव के मुखिया के पास चलते हैं और उनसे इस समस्या का समाधान निकालने को कहते हैं। फिर सब गांव वाले मिलकर मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, आज तो हद ही हो गई। वह राक्षस रामू को उठा के ले गया और बहुत से गांव वाले भी जख्मी हो गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब गांव वालों को ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। कृपा करके आप कोई समाधान निकालें। हम उस राक्षस का सामना नहीं कर सकते। इस समस्या का एक ही समाधान है कि हम खुद ही हर महीने एक आदमी उस राक्षस को भेंट स्वरूप दे दें, ताकि वह गांव वालों पर हमला ना करे। मुझे लगता है मुखिया जी सही कह रहे हैं। अगर हर महीने कोई ना कोई खुद ही अपने आप को उस राक्षस को सौंप देगा तो उसे गांव पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर ठीक है कालिया और हरिया, तुम दोनों कल पहाड़ पर राक्षस की गुफा पर जाओगे और उसे इस प्रस्ताव के बारे में बताओगे। अरे मर गए रे, ये मुखिया तो मुझे मरवा के ही छोड़ेगा। मुखिया जी, मेरी तो टांग में चोट लगी है। कृपा करके आप हरिया के साथ रमेश को भेज दे उस राक्षस के पास। नहीं नहीं कालिया, तुम रमेश से ज्यादा समझदार हो और तुमने उस राक्षस का सामना पहले भी किया हुआ है, इसलिए तुम ही जाओगे। ठीक है हुजूर, जैसी आपकी इच्छा। फिर कालिया और हरिया दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में वह राक्षस की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। वह जैसे ही राक्षस की गुफा में घुसते हैं, वहां हर तरफ कंकाल का ढेर लगा होता है। वे बहुत डर जाते हैं। अरे मारे गए रे, लगता है ये सारे कंकाल गांव वालों के हैं। हे भगवान मुझे बचाओ, ये राक्षस तो इंसानों को कच्चा ही खा रहा है, हमारा क्या होगा। कालिया तू डर मत, कुछ नहीं होगा, चल अंदर की ओर चलते हैं। फिर वे गुफा में और अंदर की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर जाने पर राक्षस उनके सामने आ जाता है। वाह, अभी तो मेरा भोजन खत्म भी नहीं हुआ था और तुम दोनों खुद ही मेरा भोजन बन कर आ गए। अरे मर गए रे, अब हम नहीं बचेंगे हरिया, ये तो हमें खाने की बात कर रहा है। राक्षस जी, हम गांव वालों की तरफ से आपके लिए एक प्रस्ताव लाए हैं। कैसा प्रस्ताव? राक्षस जी, आपको शिकार करने के लिए बार बार हमारे गांव पे हमला करना पड़ता है, तो हम गांव वालों ने सोचा कि आपको इतना कष्ट ना दें, हम खुद ही हर महीने एक आदमी आपको भोजन के रूप में भेज दिया करेंगे, ताकि आपको गांव पर हमला करने की तकलीफ ना उठानी पड़े। अच्छा,
ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात याद रहे, अगर मेरा भोजन पहुंचने में देरी हुई तो मैं पूरे गांव पे हमला कर दूंगा और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। जी हम समझ गए हुजूर, आपके भोजन में देरी नहीं होगी, अब हमें जाने की आज्ञा दें। इतना बोलकर वह दोनों वहां से दुम दबा के भाग जाते हैं और इसी तरह एक महीना खत्म होने वाला होता है। देखो भाइयों, कल एक महीना पूरा हो जाएगा और हम में से किसी एक को उस राक्षस के पास उसका भोजन बन के जाना पड़ेगा। तो बताओ कौन जाएगा उस राक्षस का भोजन बनकर? सभी गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सभी बहुत डरे हुए होते हैं लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता। अरे घसीटा चंद जी को भेज दो, इनकी उम्र तो वैसे ही हो चुकी है, थोड़े दिनों में ये भगवान को प्यारे हो जाएंगे, क्यों ना मरने से पहले ये कोई अच्छा काम करके जाए। क्यों बे कालिया, तुझे क्या मैं बूढ़ा दिखाई देता हूँ हैं? अभी तो मुझे एक और शादी करनी है, तू क्यों नहीं चला जाता राक्षस के पास? तेरे तो आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है। मुखिया जी, मैं कहीं नहीं जाने वाला, आप किसी और को चुन लें। देखो घसीटा चंद जी, इस गांव में सबसे उम्र दराज शख्स तो आप ही हैं। मुझे लगता है आप अपनी पूरी जिंदगी जी चुके हैं, राक्षस के पास आपको ही जाना पड़ेगा। अरे मूर्ख मुखिया, हैं? तेरा नाश मिटे मुझे राक्षस का भोजन बनाने की बात कर रहा है? कालिया एक काम करो, इनके हाथ पैर बांध कर इन्हें राक्षस के पास छोड़ आओ। ठीक है मुखिया जी, जैसी आपकी आज्ञा। फिर वे गांव वाले घसीटा चंद के हाथ पैर बांधकर उन्हें राक्षस के पास ले जाने लगते हैं। अरे मर गया रे, अरे मूर्ख गांव वालों, तुम्हारा नाश मिटे मुझे क्यों लेकर जा रहे हो, मुझे छोड़ दो, हे भगवान मुझे बचाओ। फिर गांव वाले उस राक्षस की गुफा में पहुंच जाते हैं। राक्षस जी, आपका भोजन तैयार है, जल्दी आ जाओ। इतना बोलकर वे वहां से दुम दबा के भाग जाते हैं। अरे वाह, ये गांव वाले तो अपनी जुबान के बहुत पक्के निकले। अरे ये क्या, ये तो कोई बूढ़ा है। हे राक्षस जी, मुझे छोड़ दो, मैं तो बूढ़ा हूँ, आपको मुझे खाकर क्या मिलेगा, मेरे अंदर तो मांस भी नहीं है, मैं तो हड्डियों का ढांचा हूँ। इस बुढ़े को यहाँ भेजकर इन गांव वालों ने मेरे साथ धोखा किया है। ए बुढ़े, तू मेरे किसी काम का नहीं है, भाग यहाँ से और गांव के मुखिया को कह दियो अगर एक घंटे में मेरा भोजन नहीं भेजा तो मैं पूरे गांव पे हमला कर दूंगा। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। अरे हरिया देख तो, ये बुढ़ा तो भागता हुआ यहीं आ रहा है, लेकिन ये बच कैसे गया, राक्षस ने इसे खाया क्यों नहीं? अरे मूर्ख गांव वालों, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, अब तुम सब भुगतोगे। अबे बुढ़े तू बच कैसे गया, तुझे तो हम राक्षस की गुफा में छोड़कर आए थे ना। कालिया तूने सही कहा, लेकिन उस राक्षस को तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे भोजन की चाह है। उसने कहा है अगर एक घंटे में उसे भोजन नहीं मिला तो वो पूरे गांव पर हमला कर देगा। अब क्या करें, अब हमें कोई जवान आदमी को भेजना पड़ेगा, बताओ कौन अपनी कुर्बानी देकर पूरे गांव की रक्षा करेगा। सब गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती। मुखिया जी, अगर इस गांव के किसी भी मर्द में अपनी कुर्बानी देने की हिम्मत नहीं है तो मैं जाऊंगी, मुझे जाने की आज्ञा दें। हाँ हाँ मुखिया जी, ये सही कह रही है, मीरा को ही जाने दे। अरे चुप कर कालिया, अगर हम मर्दों के रहते एक औरत राक्षस के पास चली गई तो आसपास के गांव में हम मर्दों की क्या इज्जत रह जाएगी। नहीं नहीं मीरा,
मर्दों के रहते तुम्हें जाना पड़े, इससे शर्म की बात हमारे लिए और कोई नहीं ही होगी। लेकिन मुखिया जी, जब कोई मर्द जाने को तैयार ही नहीं है तो फिर किसी न किसी को तो जाना ही होगा ना। कोई मर्द है जो अपनी इच्छा से उस राक्षस के पास भोजन बनकर जाए? सब गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं होता। मुखिया जी, कोई फायदा नहीं है, ये सब डरपोक हैं। मुझे जाने की आज्ञा दें। फिर मीरा हाथ में मशाल लिए अकेले ही जंगल की ओर चल देती है। अरे, तुम्हें पता चला? मीरा राक्षस का भोजन बनकर गई है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो, चलो हम सब उसके पीछे चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीरा राक्षस के पास पहुंच जाती है। हे राक्षस, मैं तुम्हारा भोजन बनकर आई हूँ, तुम मुझे खा सकते हो। तुम्हारे गांव में कोई आदमी नहीं बचा क्या जो उन्होंने तुम्हें भेज दिया? तभी गांव की सारी औरतें हाथों में मशाल लिए वहां पहुंच जाती हैं। अरे ये क्या, इतनी सारी औरतें कहां से आ गईं? तुम अकेली नहीं हो मीरा, हम भी तुम्हारे साथ हैं। आज इस राक्षस को मजा चखा कर ही रहेंगे। फिर वे सारी औरतें उस राक्षस पर मशालों से हमला कर देती हैं। राक्षस डर के मारे भागने लगता है और भागते भागते पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अरे देखो, ये राक्षस तो पहाड़ी से गिरकर मर गया। और इस तरह गांव की सब औरतें मिलकर उस राक्षस पर विजय प्राप्त करती हैं।